हाय गाइस, मेरा नाम है इमरान सलमानी और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट्स लगे होते हैं और उनका क्या काम है। आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरी वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर मैं आपको पार्ट दिखाऊंगा और उनको कैसे असेंबल करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मदरबोर्ड दिखाता हूँ। ये मदरबोर्ड है और यहाँ पे इसके पावर सप्लाई लगती है, सॉरी प्रोसेसर लगता है। तो आज मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे लगेगा ये। तो इसके अंदर यहाँ पे कट बने होते हैं दो, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कट हैं ये, और एक यहाँ पे एक कोने में निशान होता है। इस निशान के हिसाब से इसको लगाना होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखेंगे आप, इसके अंदर भी यहाँ पे दो कट हैं, आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे दो कट हैं, इनको इस कट के हिसाब से लगाना होता है। इस तरीके से कट बिठाने होते हैं, इसको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है क्योंकि ये एक भी पिन अगर मुड़ गई या खराब हो गई तो मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुली इसको लगाना होता है ताकि मदरबोर्ड को या प्रोसेसर को कोई नुकसान ना हो। ये ऐसा लगेगा, उसके बाद ये इसको ऐसे बंद करना है और यहाँ पे ये लॉक होता है इसका, यहाँ पे ऐसे लॉक लगा के इसको ये बंद करना है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसर फिट हो गया है। पहले जो प्रोसेसर आते थे वो पिन वाले आते थे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अब जो प्रोसेसर आ रहे हैं काफी समय से ये वाले आ रहे हैं, तो उसकी समझने की जरूरत भी नहीं है। और इसी तरीके के खांचे के अंदर वो आते हैं, तो ऐसे ये लगेंगे। इसके ऊपर जो फैन लगता है, ये फैन है इसके ऊपर, ये फैन जो है इसको ठंडा करता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जब ये काम करता है। इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि हम इसके ऊपर 30 सेकंड 15 सेकंड के लिए उंगली भी लगा नहीं सकते, ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा करने के लिए इस पंखे का काम होता है, पंखा इसको ठंडा करता है ताकि ये अपना प्रॉपर काम कर सके। अगर पंखे की राउंड में भी दिक्कत होती है, अगर ये प्रॉपर घूम भी नहीं पा रहा है तब भी ये प्रोसेसर काम नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता या बंद हो जाता है। मोस्टली कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है कंप्यूटर के अंदर कि हमें फेस करना होता है कि कंप्यूटर बार बार बंद हो रहा है, हीट होकर बंद हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर कंप्यूटर बंद हो रहा है तो क्या इशू है। सबसे पहले हम प्रोसेसर का फैन चेक करते हैं, अगर फैन में इशू है तो इसका मतलब वो प्रोसेसर हीट होकर बंद हो रहा है फैन की वजह से। और ये फैन लगाना बहुत अच्छे से लगाना होता है ताकि इसमें कोई इशू ना आए, ठीक है। तो अभी हम इसका फैन लगाएंगे। ये यहाँ पे इसके नीचे ये चार पॉइंट है और इसके अंदर चार पॉइंट है, इनको हम वापस वैसे के वैसे ही बिठाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर ये फैन लगेगा। ये फैन कई तरह के होते हैं और हर फैन का एक अपना हिसाब होता है। जो इंटेल का फैन आता है उसके अंदर अलग लॉक होते हैं प्लास्टिक के, उसको नीचे कुछ नहीं लगाना होता, सीधा आप दबा के घुमाओगे वो अपने आप लॉक लग जाते हैं। तो फैन अलग अलग तरह के होते हैं और लगाने का तरीका भी अलग होता है। वैसे ये कंप्यूटर जो है एक ब्रांडेड कंप्यूटर है और इसके अंदर थोड़ा हैवी और अच्छा फैन लगा हुआ है, तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ चार ये पेच कसने के साथ इस पेच के अंदर इसको इसकी जगह पे बिठाना है। एक चीज और ध्यान रखें, इस पॉइंट का ये पॉइंट हमारा उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ ये हमारा जैक हो। सीपीयू फैन लिखा, देखिए इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू फैन। ये सीपीयू फैन जहां पे है वहीं पे ही हमारा तार होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम गलती से इधर उधर लगा देते हैं तो फिर तार वहां तक पहुंचता नहीं है। तो इसको हमें ऐसे करके लगाना है, ठीक है। और इसको फिर हम स्क्रू इसके टाइट कर देंगे। ये देखिए हमारा फैन लग गया है पूरा, इसको अच्छे से टाइट कर दे ताकि ये हिले ना, ठीक है। अब इसको यहां पे इससे ऐसे कनेक्शन देते हैं। इसके जैक बने हुए हैं, थ्री पिन है और थ्री पिन इधर है और इन दोनों के बीच में जो जैक है, इस जैक के हिसाब से ये वाला यहाँ पे लगेगा। तो ये हमारा मदरबोर्ड और प्रोसेसर की किट तैयार हो गई है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होता है कोई भी कंप्यूटर असेंबल करने के लिए। अब हमारा अगला स्टेप होता है रैम का, ठीक है। हमारा अगला स्टेप होता है रैम का। रैम DDR1 आई थी पहले, फिर उससे पहले भी कोई आई थी, पहले DDR1 आई, फिर DDR2 आई, अब DDR3 आ रही है जो लेटेस्ट है। और इनके जो जैक होते हैं इसके अंदर फर्क पड़ जाता है, जैसे जैसे अलग अलग होगी तो वो आपके जो सॉकेट है उसके अंदर फिट नहीं होगी। इसका ये जैक होता है, यहाँ पे कट का निशान होता है, इस कट को प्रॉपर तरीके से मिलाना होता है। अगर ये ठीक से नहीं मिलेगा तो रैम ठीक से नहीं बैठेगी, और अगर आधी रैम बैठी तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो शॉर्ट सर्किट करेगा, फूकने का भी डर होता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जैक एकदम प्रॉपर मिलने चाहिए। इन चारों में से किसी में भी लगा सकते हैं हम, देखिए इनको इस खांचों में फंसाना। और ये बीच वाला कट
इस कट से मिलना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये नहीं मिलेगा, ये देखिए अब ये नहीं मिलेगा। अब मैं इसको एक जगह से दबाऊंगा तो एक जगह से तो लग जाएगा लेकिन दूसरी तरफ से नहीं लगेगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं लगाना है, इसको इसके कट के हिसाब से लगाना है। अगर कट नहीं मिल रहा है दोनों तरफ से, इसका मतलब वो रैम इस सॉकेट की नहीं है। ये कट की आवाज आई और ये दोनों जैक, ये वाले और ये वाले आपस में भिड़ गए, उसको अच्छी तरह लॉक कर दिया। ठीक है, ये हमारा मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम का पूरा सेट हो गया है तैयार। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब हमारे पास ये दो चीजें हो रहे हैं, SMPS और हार्ड ड्राइव। ठीक है, तो SMPS और हार्ड ड्राइव इनको हम इस कैबिनेट के अंदर फिट करते हैं और SMPS से इसके अंदर करंट दिया जाता है। तो मैं अभी आपको यहीं पे दिखा देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो ये जो जैक है, ये जैक मदरबोर्ड का होता है और ये मदरबोर्ड को आप कहीं ना कहीं देखोगे तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा सॉकेट जहां पे ये लगता है। तो इसको ऐसे कैसे ऐसे इसके ऊपर लगाना होता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, ये कट का निशान यहाँ पे और यहाँ पे जैक, यहाँ पे इसका लॉक है जैक है, तो ये हमें इस तरह से लगाना ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे करके। और मदरबोर्ड में हमेशा दो तारे लगती हैं, एक आधे बोर्ड को एक चीज करंट देती है और आधे बोर्ड को एक चीज करंट देती है। तो ये आधे बोर्ड के लिए हो गई और ये वाला हमारे आधे बोर्ड के लिए हो गया। तो इसका जो जैक होता है हमारा, वो हमारे फैन के आसपास कहीं ना कहीं होता है। तो इसको भी आप देख सकते हो, इसमें जैक लगा हुआ है प्रॉपर। इस जैक को भी हम प्रॉपर इसी तरह से लगाते हैं। ये अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ खाली, बाकी इसे लगाते जब जब हम इसको कैबिनेट के अंदर फिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये लग गया है पूरा, ऐसे ये लगता है। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। इसको निकालने के लिए भी जैक दबाना है और उसको हल्के हल्के ऊपर खींचना है, रिमूव हो गया। ठीक है, ये SMPS है, इसको अभी हम इसके अंदर फिट करेंगे। और ये हमारा हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव के अंदर दो जैक होते हैं, एक ये चौड़ा वाला जो है ये हमारा इसको करंट पास करता है और ये हमारा डेटा ट्रांसफर करता है। इसको साटा हार्ड डिस्क बोलते हैं। इससे पहले जो हार्ड डिस्क आती थी वो आईडी होती थी, उसके अंदर बहुत सारी पिने होती थी, तो पिन की वजह से थोड़ा दिक्कत होता था लगाने में। इसकी वजह से अब ये नया आजकल चल रहा है हार्ड ड्राइव जो साटा है, ये लेटेस्ट है, तो ये बहुत सिंपल हो गया है। इसके अंदर ना आपको जम्पर सेटिंग करनी होती है ना कुछ, सिर्फ आपको दो जैक लगाने हैं, एक पावर का और एक डेटा का। ठीक है, इसके लिए भी आपको बता दूं, कभी फ्यूचर में हम लोग फेस करते हैं कि डिस्क बूट नॉट फेलियर, मतलब हमारे हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर को कोई बूट के लिए कोई डिस्क नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर हमें ये चेक करना था, क्योंकि हमारी डिस्क ये है, इसके अंदर या तो करंट नहीं जा रहा या फिर इसका डेटा की केबल हिली हुई है, तो जिसकी वजह से कंप्यूटर को पढ़ नहीं पाता, इसकी वजह से डिस्क बूट फेलियर का एरर आता है। ठीक है, तो इसको भी हम अंदर फिट करके दिखाएंगे भी आपको। तो ये हमारी कैबिनेट है, इसके अंदर पीछे देखोगे आप तो यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है। ये मदरबोर्ड के साथ हमेशा फ्री आता है, यहाँ पे ये मदरबोर्ड के साथ फ्री आता है। इस पत्ती को आराम से हम निकाल भी सकते हैं, ऐसे करके निकल जाती है, खाली होता है। जब हम मदरबोर्ड खरीदते हैं तो उस मदरबोर्ड के साथ ये पत्ती आती है और इसको हमें यहाँ पे फिट करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये पत्ती जो होती है उस वो नीचे का हिस्सा होता है, हमेशा हमें ऊपर का हिस्सा खोलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नट लगा देता हूँ, खोल दिया मैंने ऑलरेडी, ऐसे मारेंगे इसको तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये पत्ती है इसके अंदर। ठीक है, अब इस पत्ती के अंदर आपको क्या देखना है, ये जो तीन जैक है ये हमेशा साउंड के होते हैं। ठीक है, तो आप मदरबोर्ड में देख लीजिए, नीचे की तरफ होते हैं, तो हमें इसको नीचे की तरफ लगाना है इस तरीके से। और ये हमारे माउस और कीबोर्ड के जैक होते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये लग गए हमारे जैक। ठीक है, अब हम इसके अंदर मदरबोर्ड, सबसे पहले हम मदरबोर्ड फिट करते हैं ताकि हमें फिर स्क्रू कसने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसके अंदर जो भी तार है इन सबको बाहर कर दो, इन सबके बारे में बात अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर मदरबोर्ड लेके जाना है, ये वाला कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसके पॉइंट इधर है और इधर हमने वो पत्ती लगाई है, तो ये हमने इसके अंदर बैठाना है इसको थोड़ा प्यार से, जबरदस्ती नहीं करनी है। अब जब ये बैठ जाएगा तो हमें इसके ये पॉइंट बाहर से अंदर के पॉइंट मिलाने हैं, तो हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो ये अपने आप मिल जाएंगे, और इसको हमने बाहर की तरफ ले आना। तो ये सारे पोर्ट देख रहे हो अब हमारे, ये सारे सारे के सारे पोर्ट ऑटोमेटिकली बाहर आ गए हैं, इसका मतलब हमारा मदरबोर्ड बैठ गया है, सिर्फ हमें स्क्रू लगाने हैं। ठीक है, तो ये वाले स्क्रू हैं, इस स्क्रू को हम लगाएंगे। इसके अंदर स्क्रू तो वैसे बहुत सारे लगते हैं, जितने ज्यादा लगा दोगे उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। एक यहाँ पे लगता है स्क्रू, एक यहाँ पे लगता है स्क्रू, एक यहाँ पे लगता है स्क्रू, ऐसे चारों तरफ स्क्रू लगते हैं। लेकिन अगर आप चार स्क्रू भी लगा दोगे, चार या छह स्क्रू, तो आपके लिए मदरबोर्ड के लिए बहुत हो जाएगा। तो ये पहला स्क्रू मैं लगा रहा हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मदरबोर्ड खींच के
और फिर यहां पे इसको कसना है। ठीक है, ये पहला स्क्रू लग गया। उसके बाद हमें और स्क्रू लगाने, तो हम ये वाला स्क्रू लगाएंगे अब इस कोने का। गाइज ये सब बहुत आसान है, बस जब आप करोगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता, इसलिए आप लोग हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हो कि कंप्यूटर है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो इसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, सब बहुत आसान है। आपको इसके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अभी मैंने चार स्क्रू लगाए हैं और अभी इसके अंदर दो तीन चार स्क्रू और लग सकते हैं, तो अगर हम और लगा देंगे तो ज्यादा बेटर है, और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा लगाने से अच्छा होता है, मदरबोर्ड अपना फिट अच्छे से रहता है। ठीक है, तो हमने मदरबोर्ड फिट कर दिया। सबसे पहले इसकी कैबिनेट के अंदर हमने मदरबोर्ड फिट कर दिया है। अब हम इसके अंदर रैम फिट करने जा रहे हैं, रैम तो हमने लगा दी सॉरी, अब हम इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, कभी भी आप देखोगे इस कैबिनेट के अंदर, कहीं ना कहीं हर कैबिनेट के अंदर अलग जगह बनी होती है एक हार्ड डिस्क की, तो मैं आपको जैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक छोटा सा खांचा बना हुआ है, किसी में ऐसे बना होता है, किसी में ऐसे बना होता है, किसी में ये हार्ड डिस्क इस तरीके से लगती है खांचे में, और इसके अंदर ये हार्ड डिस्क ऐसे लगेगी, तो ये खांचे से पता लग जाता है हमारे को इसके अंदर ये इसके अंदर फिट होगी। ठीक है, तो अब हम इसको लगाते हैं, तो इसके ये होल है स्क्रू कसने के, तो जो आप दूसरी कैबिनेट देखोगे उसके अंदर भी प्रॉपर ऐसे ही लगा होगा। सब कुछ बहुत सिंपल है, आप समझने की कोशिश करोगे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, आप देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आप जब बनाना शुरू करोगे। तो आप इसको जब इसको ऐसे डालोगे अंदर, तो आपको सबसे पहले जैसे यहाँ पे स्क्रू लगाने का ये जगह बनी हुई है, तो इसके अंदर यहाँ स्क्रू लगाने की जगह यहाँ बनी हुई है, तो आपको जब इसको फिट करना है सबसे पहले तो जैक ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम इसके ऊपर कनेक्शन करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं लगा सकते। ठीक है, ये जैक ऊपर होनी चाहिए जहाँ पे हमने इसको लगाना है, और ये स्क्रू हमारे ऐसे कैसे बैठेंगे। अब जैसे मैं इसको ऐसे डालता हूँ, ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो अब देखो इसके अंदर स्क्रू की जगह आ गई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे डाला है, और अगर इसी हार्ड डिस्क को मैं पलट के डालूंगा तो ये बैठेगी नहीं, इसमें लग जाएगी लेकिन स्क्रू की जगह नहीं आएगी, तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है कि स्क्रू किस तरफ हमें लगाना है और किस तरीके से इसको फिट करना है। ये देखिए बिल्कुल स्क्रू की जगह आ गई है, इसके अंदर यहाँ पे स्क्रू लगते हैं और कैबिनेटों के अंदर यहाँ पे स्क्रू लगते हैं, तो हम इसके अंदर यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी मेहनत वसूल हो रही होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के अपलोड कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी। ये हमने हार्ड डिस्क भी फिट कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया हार्ड डिस्क फिट। अब SMPS कहाँ लगेगा? SMPS के आप देखोगे जगह अलग ही है, इसका खांचा एकदम सिंपल बना होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये पंखे की जगह बनी होती है, और अपने आप देख लोगे यहाँ पे SMPS की जगह, हमेशा हर कैबिनेट में मोस्टली यहीं पे ही SMPS लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे SMPS लगाएंगे, ये हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, इसको कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे तो ये पंखे की जगह देखनी है हमने, ये पंखा जो है इसका अलग ही खांचा बना होता है, ये लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो अभी मैं इसको ऐसे लगा रहा हूं, अभी देखते हैं हम इसको ऐसे लगाने के बाद ये बैठता है कि नहीं बैठता। अब देखिए आप, क्या ये ठीक से बैठ गया? ये ठीक से नहीं बैठा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे स्क्रू की जगह बनी हुई है लेकिन स्क्रू के लिए होल इसमें नहीं दिख रहे हैं, यानी कि हमने इसको गलत लगाया। ठीक है, तो इसको हम इसको पलट के लगाएंगे। अब इसको लगाते वक्त और निकालते वक्त एक चीज का ध्यान रखें हमेशा, कि इससे कोई मदरबोर्ड को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि मदरबोर्ड से टच होगा तो मदरबोर्ड का अगर कोई कंपोनेंट बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, अगर ये हिल गया, कोई डैमेज हो गया, तो आपका मदरबोर्ड फिर खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमेशा लगाते हुए थोड़ा सा केयरफुली रखें ताकि ये मदरबोर्ड से ज्यादा टच ना हो। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये देखिए स्क्रू के चारों तरफ स्क्रू की जगह आ गई है।
ठीक है। अब हम इसके अंदर स्क्रू लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे, इसको थोड़ा सा दबा के पीछे से, तो ये हमने इसको भी फिट कर दिया एसएमपीएस को भी, ठीक है। एसएमपीएस का क्या काम बताया था मैंने, एसएमपीएस का काम बताया था कि एसएमपीएस इन पूरे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को करंट प्रोवाइड कराता है, उसको जितना करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हमने एसएमपीएस भी लगा दिया, इसके ये तार है, ये कैबिनेट के तार है। अब हमने इसको पूरी तरह से फिट कर दिया, अब हमारा काम है कनेक्शन करने का। तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे मदरबोर्ड का तार, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये यहाँ पे लगेगा। उसके बाद दूसरा तार लगेगा, वो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे लगेगा। ये मदरबोर्ड का कनेक्शन हो गया, मदरबोर्ड को इन दो से करंट पहुंच जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड का काम खत्म हो गया। ये बाकी तार किसके हैं, ये बाकी तार जो हैं, बाकी जो हैं, ये आपको हार्ड डिस्क के लिए हैं, और आपके सीडी प्लेयर, सीडी रोम जो डीवीडी राइटर होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा दिया होता है एक दो, ताकि कल को कुछ खराब हो जाए तो आप दोबारा उसको यूज कर सको। और ये जो जैक है, ये पहले जो आईडी हार्ड डिस्क आती थी उसके अंदर लगा हुआ आता था, अब वो हार्ड डिस्क आनी बंद हो गई है, तो इसलिए अभी वाले जैक आते हैं, लेकिन इनको मिक्स करके दे देते हैं, क्योंकि अगर कोई बाय चांस वो वाला लगाना चाहता है तो वो भी यूज करे। और अगर खाली आपके पास एसएमपीएस मिला है उसके अंदर यही है, तो इसके कन्वर्टर भी आते हैं, जो आप पीछे से लगाओगे तो आगे से उसका जैक ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी हमें इसका ज्यादा यूज नहीं है। आप इसको देखोगे तो ये हमारे फ्लॉपी ड्राइव आती थी पहले, फ्लॉपी के अंदर यूज होता था, अब इसका भी यूज नहीं है, खत्म हो गया है। आगे जो आपके एसएमपीएस आ रहे हैं लेटेस्ट, उसमें आना भी बंद हो गया है, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया है, ये लगा दिया, हमने मदरबोर्ड का कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हार्ड डिस्क का कनेक्शन करेंगे। तो इसमें से एक चीज जो हम, ये हमारी पावर की है, देख रहे हो आप पावर से आ रही है, तो हार्ड डिस्क की पावर के जैक में ऐसे लगा देंगे। अब देखोगे इसके अंदर जैक बना हुआ है प्रॉपर उसी तरीके से, और ये उसी तरीके से एकदम लगता है, ध्यान से जबरदस्ती नहीं करनी, टूट जाएगा नहीं तो। अब इसको ऐसे लगाने की कोशिश करोगे तो लगेगा नहीं, देखो बैठेगा नहीं। अब इसको प्रॉपर उसकी तरह से लगाओगे तो एकदम से लग जाएगा, ये लग गया देखो, ठीक है। और ये जो होती है, ये साटा केबल होती है, यहाँ पे जो लगती है वो ये होती है, ये दोनों तरफ से कुछ इस तरीके की होती है, और ये हमारा डेटा ट्रांसफर करती है, ये हमारे हार्ड डिस्क को करंट देगी और ये हमारा हमारा डेटा ट्रांसफर करेगी। तो ये वाली हम लगाएंगे, इसके जैक बने होते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे ये जैक बने हुए हैं इसके, ठीक है। अब इसको इस जैक के हिसाब से लगा देना। अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जैक इसका ऐसा है, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे हार्ड डिस्क का कनेक्शन, हमारी हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी इस केबल से, और हमारी ये केबल कनेक्ट होगी है हार्ड डिस्क को करंट देने के लिए, ठीक है। तो हम इनको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ये हमारे हार्ड डिस्क का कनेक्शन भी हो गया। तो गाइस हमारे पास एक सीडी रोम भी होता है, सीडी रोम ये होता है, ये हम आगे लगाते हैं ऐसे करके फिट होता है यहाँ पे, इसकी जगह बनी होती है, प्रॉपर खांचा बना होता है, यहाँ पे नट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके भी सेम कनेक्शन होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे हार्ड डिस्क में कनेक्शन है वैसे इसके कनेक्शन है, सेम वैसे ही करना है। तो इसको भी मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अब हमारा रैम लग गया, प्रोसेसर लग गया, एसएमपीएस के कनेक्शन हो गए, हार्ड डिस्क लग गई। अब हमारे बचते हैं ये कुछ तार, इनका क्या काम है, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, ये हमारी कैबिनेट को कूल करता है, ठंडा रखता है, ताकि सीपीयू हीट ना हो और गर्म होके हैंग ना हो और बंद ना हो। तो इसके अंदर देखेंगे एक जैक लगा हुआ है, ये इसका कनेक्शन आप यहाँ पे कहीं कर सकते हैं, ये रहा, ठीक है। ये मोस्टली इसी के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा जरूर कहीं ना कहीं, ठीक है। अलग से दो फैन के जैक होते हैं, एक पे सीपीयू फैन लिखा होगा और एक के ऊपर ये अपना कैबिनेट सिस्टम फैन लिखा होगा। अब वो कनेक्शन हो गया, अब ये कनेक्शन देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तो होता है यूएसबी का, जो फ्रंट के ऊपर यूएसबी होती है, एक कनेक्शन उसका होता है जो फ्रंट पे यूएसबी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट की यूएसबी है ये, और यहाँ पे ऑडियो है। तो एक यूएसबी का होता है, दोनों यूएसबी एक से चलती है, और एक ऑडियो और माइक का होता है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एचडी ऑडियो, उस पर लिखा है यूएसबी, ठीक है। तो इसकी एक पहचान और है, जो यूएसबी होगा उसका कोने वाला एक छेद बंद होगा, और जो ऑडियो होगा उसका बीच का एक छेद बंद होगा। ये पहचान अगर इसके ऊपर नहीं भी लिखा तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा किस चीज का है। तो एक छेद बंद है, तो आप देखोगे तो यहीं कहीं मदरबोर्ड पे कहीं ना कहीं जैक होते हैं, वहां पे लिखा भी होता है, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है यूएसबी, और यहाँ पे एक जैक पे पिन नहीं है,
आप देख सकते हो थोड़ा क्लोज से, तो आप इसको लगाओगे वैसे ही, इन दोनों में कहीं भी लग सकता है, इन दोनों पे लिखा भी है USB, और इसके ऊपर एक जैक पे पिन है भी नहीं, तो इसको बड़े प्यार से लगाना ताकि पिन मुड़े ना। ये इसका कनेक्शन हो गया, अब आपके फ्रंट के USB चल जाएंगे। ये ऑडियो का तो अब है, आपके फ्रंट के यूज भी चल जाएंगे, और अब हम दूसरा कनेक्शन करेंगे ऑडियो का, ठीक है। तो ऑडियो का भी आप देखेंगे तो ये जैक है यहाँ पे, और इसके एक बीच में पिन नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो, और इसके अंदर भी पिन नहीं है, यही इसकी पहचान है। तो इसको पिन जहाँ पर नहीं है उस साइड से पलट के और बड़े प्यार से इसको यहाँ पे लगाना है ताकि पिने ना मुड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बड़े प्यार से लग जाएगा, इसमें कोई ज़बरदस्ती करने वाली बात नहीं है। तो ये दो कनेक्शन भी हो गए, ठीक है। अब हमारा फाइनल कनेक्शन बचता है ये वाला, ठीक है, ये कनेक्शन। अब ये कनेक्शन किस चीज़ का है? ये कनेक्शन हमारे फ्रंट पे जो बटन है, ये वाला बटन है, ठीक है। ये लाइटें हैं यहाँ पे दो, ये इनके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आके सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसको लगाना कैसे है। तो आप इसको देखोगे तो मदरबोर्ड के इसी साइड में कहीं इसके जैक होता है बना हुआ, जैसे आप इसको देख रहे हो, तो इसके अंदर एक प्रॉपर जैक बना हुआ है, लेकिन जो आप असेंबल करोगे, जो बाहर से कैबिनेट लाओगे, उसके अंदर इस तरीके की अलग अलग जैक होंगे, जैसे ये वाला जैक है, इसी तरीके के बहुत सारे जैक होंगे, सारे अलग अलग होंगे, इसमें आप इन्होंने सब कुछ कंबाइन कर दिया। तो ये तो सिंपल है, जहां से एक होल बंद है और इसको ले जाके उस हिसाब से यहाँ पे लगा दो। मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये पिने होती हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10वां पिन इसका बंद होता है, ठीक है। तो जो नीचे की ये जिस जिस तरफ बंद है ये, उससे इस तरफ को आप देख, उम्मीद करता हूँ मेरा कैमरा ज़्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। आप देखोगे तो जिस तरफ ये छेद बंद है, उस तरफ ये वाला जो है, आप इसके साथ में दो होल हैं ये वाले, मैं आपको एक सेकेंड इससे दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ये तो ये दो वाले जो छेद हैं जिसके ऊपर मैंने ये रखा है अपना स्क्रू, ये पावर के होते हैं, जहाँ छेद बंद होता है उसके पास सात वाले जो दो होते हैं, और इसके ठीक ऊपर दो वाले होते हैं रीसेट, रीसेट बटन के, ठीक है। ये ब्रांडेड कंप्यूटर है, इसमें नहीं होता रीसेट का बटन, इसमें ये पूरा जैक बना आता है, आपको ऐसे कैसे लगाना होता है। लेकिन आज मार्केट से खरीद के लाओगे, उसको लगाओगे, तो वहाँ पे ये सारी पिन अलग अलग होंगी, ये दो पिन अलग होगी, ये दो पिन अलग होगी, दो पिन अलग होगी, ऐसे जैक बने होंगे जैसे ये वाला जैक है, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो मदरबोर्ड के ऊपर खाली जगह होगी, मदरबोर्ड के ऊपर जो खाली जगह होगी वहां पे ये तो दो पिने हैं, थोड़ा क्लोज लाएंगे प्लीज। तो ये जो दो पिने हैं ये आप देख रहे होंगे, ये जो दो पिने हैं जैक के साथ वाली, ये पावर की होती है हमेशा, और ये इसके ऊपर वाली जो दो होती हैं ये रिस्टार्ट करने की होती है, ये वाली पिन खाली जाएगी, ठीक है। ऊपर नीचे का समझ में आ गया। और ये दो पिन होती हैं, एक इसमें हार्ड डिस्क की होती है और एक इसमें पावर की होती है। जो नीचे वाला है उसके साथ वाली हार्ड डिस्क की होगी, जो ऊपर वाला है उसके साथ वाली उसकी नहीं, इसके साथ पावर वाले के साथ में पावर वाले की होगी, कंप्यूटर ऑन होने की, और रिसेट वाले के साथ में हार्ड डिस्क की होगी। ये दोनों आगे लाइट लगी होती है, एक रेड कलर की एक ग्रीन कलर की, रेड वाली आपको पावर बताती है, ग्रीन वाली आपके हार्ड डिस्क बताती है। कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो बल्ब लगे होते हैं, एक परमानेंट जलता है, एक जल जल के बंद होता है, ठीक है। वो जो होता है वो हार्ड डिस्क का होता है, और ये जो होता है ये पावर का होता है। तो ये इस तरीके से लगता है। अब आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा पैनल लगा हुआ है, ठीक है। और जो आप लाओगे इसमें सीध ठीक ठीक इसकी तरह होगा, जैसे USB का है ठीक ऐसा होगा, लेकिन वहां पे सब लिखा होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो, यहाँ पे लाएंगे एक बार, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा हार्ड डिस्क, उसके साथ में लिखा हुआ है रीसेट, तो इसमें नीचे लिखा हुआ पावर LED, तो ऐसे करके चारों तरफ लगा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ब्रांडेड कंप्यूटर, और ब्रांडेड कंप्यूटर के अंदर सारा सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एक जैक आता है वो ऐसे कैसे इसके अंदर फिट हो जाता है, लेकिन इसके जो आप वैसे लाओगे, तो जैसे मान लो ये पिन है, इतना इतना होगा खाली आपका, इतना इतना, तो इसके अंदर जो ये वाले होंगे ये दोनों होंगे पावर के। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पावर, इसके ऊपर वाला पावर का है, इसके नीचे लिखा है रीसेट, तो ये दोनों रीसेट के होंगे। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये दो पिने जो हैं ये दोनों, जिसके ऊपर भी मेरा टच है, ये पावर के हैं, और ये इसके ऊपर वाले ठीक ऊपर वाले ये दोनों ये रीसेट रिस्टार्ट करने के हैं, और इसके साथ वाला हार्ड डिस्क का है, ये दोनों हार्ड डिस्क के हैं, और इससे ऊपर वाले ये सॉरी ये वाले पावर के हैं, और ये वाले हार्ड डिस्क के हैं। आप देखोगे तो यहाँ लिखा भी है, और ये हर मदरबोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं लिखा होता है, आप ध्यान दोगे तो, उसके नीचे बस थोड़ा समझना पड़ता है। तो इसके अंदर सब कंबाइंड है, इसलिए इसमें ऐसे कैसे लग जाएगा, लेकिन अगर जो आप बाहर से लाओगे उसके अंदर आपको एक एक जैक अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये वाला बंद है, तो मैं इसको बंद को इस तरफ करूंगा ऐसे, ये देखो ये बंद है, और इसको मैं ऐसे करके फिट करूंगा, ये लग गया, ठीक है। जब आप बाहर से लाओगे तो ये जो दो तार होंगी ये एक साथ जुड़ी होंगी, ये दो तार एक साथ जुड़ी होंगी, ये सारे अलग अलग होंगी, बस ये दो दो तार जुड़ी होंगी, ये दोनों आपको यहीं लगानी है खाली वाले के साथ में। ये पावर की होती है, उस पर लिखा होता है पावर, उसके साथ में लगती है आपकी पावर की लाइट की,
उसके ऊपर लिखा होता है पावर एलईडी, और इसके ऊपर, इसके ऊपर जो तार लगी होती है वो होती है आपकी उसकी रीस्टार्ट की। देखो इसमें रीस्टार्ट के बटन खाली है क्योंकि इसमें रीस्टार्ट का बटन नहीं होता ब्रांडेड कंप्यूटर में। अब जो बाहर से लोगे उसमें रीस्टार्ट का बटन होता है, ठीक है, तो वो यहाँ लगा होता है। उसकी दो तार यहाँ पे होती है, और ये वाला जो है हमारी ये हार्ड डिस्क की एलईडी की है। तो ये हमारा अब कंप्यूटर पूरी तरह से असेंबल हो गया है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसके तारों को हमें इस तरीके से रखना है ताकि ये किसी भी तरह से पंखे में या किसी चीज पे टच ना हो, कहीं हमारा पंखा ही बंद हो जाए। अब ये तार अगर बाई चांस में फंस गया तो ये पंखा हमारा चलेगा नहीं, इससे हमारा पंखा बंद हो जाएगा, फिर हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं, इशू करेगा। तो ये ध्यान रहे, रैम एक बार अच्छे से चेक कर ले, रैम लूज नहीं होनी चाहिए, रैम लूज होगी तो जलने का खतरा होता है। ये हमारा कंप्यूटर पूरा फिट हो गया है, और तारों को अच्छे से सेट कर दे ताकि ये कहीं फंसे ना। जैसे ये तार एक्स्ट्रा है हमारी तो हम उसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्यूटर पैक हो गया, हम इसके ऊपर ये वाला ढक्कन लगा देंगे। हमारा कंप्यूटर पूरा तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रीन वाला जो होता है ये माउस का होता है, ये ब्लू वाला होता है ये कीबोर्ड का होता है। दोनों के जेक सेम है। आप इसको जब लगाने जाओगे तो इनकी पिनों का ध्यान रखें, जो जैसी पिन है उस हिसाब से इसको लगाएं, और बड़े प्यार से ताकि पिने ना मुड़े। यहाँ पे कीबोर्ड और माउस लगता है। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को एलसीडी से अटैच कर सकते हो, यहाँ से जो आउटपुट जाएगा वो आपका एलसीडी के ऊपर दिखाई देगा। एलसीडी का काम सिर्फ दिखाना है, सिर्फ यहाँ पे आप लगाना है उसको, और कुछ काम नहीं है, ठीक है। ये माउस आया करते थे पहले उसका, ये प्रिंटर का, सॉरी ये माउस आया करते थे पहले उसका। ये प्रिंटर भी अब इतने ज्यादा यूज नहीं होते, ये बहुत अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं आजकल, तो यूएसबी और नेटवर्क प्रिंटर आ रहे हैं। ये सारे यूएसबी पोर्ट है, ये उसके साथ में लैन पोर्ट है, ये नेटवर्किंग का काम आता है और इंटरनेट चलाने का काम आता है। ये तीन पोर्ट है आपके ऑडियो के, ग्रीन वाला जो होता है हमारा ऑडियो आउटपुट देता है, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर आवाज आएगी वो इसमें से निकलेगी। तो हमें कोई भी स्पीकर या लीड या अपने कान की लीड भी इसमें अटैच करनी है तो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। इसमें से एक होता है माइक का, ये वाला माइक का होता है, और ये भी किसी सराउंड सिस्टम जब लगता है उसके अंदर काम आता है। तो ये सारे हमारे जैक है, आप इसको ऐसे कनेक्शन करना है। ये जो तीन पिन दिख रही है आपको पावर की दिख रही है, ये तीनों एक तीन पॉइंट का पावर केबल आएगी वो इसमें लगेगी, और दूसरा उसका पोर्ट आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगेगा। तो ये हमारा पूरा कंप्यूटर तैयार हो गया। इसको सारे कनेक्शन करके जब आप पावर का बटन दबाओगे आगे से यहाँ से, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने आज पूरा कंप्यूटर असेंबल करके देखा है, ये हमारा कंप्यूटर एकदम ओके असेंबल हुआ है, और यही हमने करना होता है सारा। अब आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पता लग गया, कंप्यूटर के पार्ट्स कैसे कैसे फिट होते हैं वो पता लग गया, कंप्यूटर के पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, असेंबलिंग समझ में आ गई। अब फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आती है हम उसको रिजोल्व कैसे करेंगे मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके और मैं और भी ज्यादा वीडियो बना सकूं। तो गाइस आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।